जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं महिला पर्यवेक्षक एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के बारे में, ठीक है। तो महिला पर्यवेक्षक और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की तैयारी करने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पर ये जो क्लास है, ये जो वीडियो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, खास रहेगा। क्यों? यहाँ पे कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे जिसमें कम मेहनत करके ज़्यादा मार्क्स हम कवर कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कम मेहनत करें, अच्छी तैयारी कर लें और नंबर ज़्यादा हम पा लें, ठीक है। तो किस तरीके से ये पॉसिबल है, किस तरीके से हम ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं महिला पर्यवेक्षक एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की एग्जाम में, ठीक है। तो देखें यहां पर ध्यान से, पूरा सिलेबस भी यहां पर बताऊंगा और उसके अंदर मेन मेन टॉपिक कौन से है जिसे हम पढ़ लें तो हमारे लिए आसान हो जाएगा ज्यादा नंबर लाने में, ठीक है। चलिए तो ध्यान दें, यहां पर आपने सिलेबस पहले देखा होगा, कई बार देखा होगा, लेकिन आपको किसी ने ये नहीं बताया होगा कि इसके अंदर कौन सा वाला पार्ट है जिसको हमें पढ़ना जरूरी है और वो आना जरूरी है, ठीक है। तो देखें यहां पे सिलेबस यहां पे दिया हुआ है, ठीक है। किसका है? तो महिला पर्यवेक्षक एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए, ठीक है। किसके कहां पर? एमपी के लिए, ठीक है। अब यहां पर आपको सभी को यह पता होगा कि एमपी में कहां कहां पर ये वैकेंसी किन किन जिलों के लिए देंगे, ठीक है। तो यहां पर वो यदि आपको पता नहीं है तो कमेंट कर देना, अगली बार जब भी क्लास लूंगा मैं तो उसमें आपको वो बता दूंगा, ठीक। अभी हम यहां पर बात करें सिलेबस के बारे में। तो यहां पर सबसे पहले हम देख लें कि जो इस महिला पर्यवेक्षक का जो सिलेबस है इसको चार कैटेगरी में बांट दिया है। सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है, चार कैटेगरी में बांटा है। और चार कैटेगरी में सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी कौन सी है तो वो भी मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। सबसे पहला यहाँ पे दिया है भाग दिया है, फिर टॉपिक का नाम दिया है और अधिकतम मार्क्स दिया है, अधिकतम अंक कितने हैं और कितने समय का आपका पेपर होगा, ठीक। तो पहले नंबर में पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री और पार्ट फोर है, मतलब भाग एक, दो, तीन, चार है, ठीक है, चार भाग है। सबसे पहला भाग है और सबसे इंपॉर्टेंट भाग ये है कि पोषण एवं स्वास्थ्य, ठीक। अब पोषण के अंदर क्या क्या चीजें पढ़ना है ये बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद, ठीक है, अभी पहले इसको बता दे रहा हूं। तो पोषण एवं स्वास्थ्य दो चीजें हैं, ये कितने नंबर का है? तो ये 55 मार्क्स का आएगा, ठीक है, 55 नंबर का होगा। और उसके बाद फिर यहां पर दूसरे नंबर पर सामान्य ज्ञान एवं तर्क क्षमता, ये वही है जिसे हम तर्क शक्ति बोलते हैं, ठीक है। तो सामान्य ज्ञान सभी को पता है जीके, ठीक है, और तर्क शक्ति या तर्क क्षमता, तो इसमें तर्क क्षमता में क्या क्या आएगा यहां पर इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। मैथ्स आएगी, लेकिन मैथ्स किस लेवल की आएगी? मैथ्स बहुत कठिन इसमें नहीं आने वाली है, ठीक है। और मैथ्स पूरा इसके लिए महिला बाल विकास एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए मैथ्स पूरा कंप्लीट करवाऊंगा मैं, और बाकी इसमें पोषण वगैरह भी पूरा कंप्लीट करवाने वाला हूं, ठीक है, वो भी आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। केवल बस ये कि सिस्टमेटिक क्लासेस वगैरह लेते रहना है, वीडियोस देखते रहना है, और यदि आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है, ठीक है, क्योंकि अब आने वाली जो कंटिन्यू क्लासेस रहेगी वो इस पर रहेगी, इसी के सिलेबस के अनुसार, ठीक। तो यहां पर ये 55 नंबर का होगा सामान्य ज्ञान एवं तर्क क्षमता, ठीक है। अब यहाँ पे तर्क क्षमता क्या है? रीजनिंग का थोड़ा थोड़ा पार्ट रहेगा और मैथ्स का पार्ट रहेगा, देखेंगे अभी थोड़ी देर बाद। अब इसके बाद तीसरे नंबर पर आ जाए, तीसरे नंबर पे यहां पे लिखा है प्रबंधन, ठीक है, मैनेजमेंट, मतलब बेसिक मैनेजमेंट की पहचान आपको होना जरूरी है, ठीक है। प्रबंधन क्या होता है ये पता होना जरूरी है, और प्रबंधन किस किस तरीके का हो सकता है, कितने प्रकार का हो सकता है, ये बारीक बारीक जानकारियां आपको पूछेंगे। प्रबंधन बहुत बड़ा टॉपिक होता है लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल में आपको नहीं देंगे, ठीक है। अब प्रबंधन में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ लेना, थोड़ा सा बेसिक बेसिक जानकारी आपको हो जाए ये भी आपको बताऊंगा बाद में। तो ये जो प्रबंधन है ये 45 मार्क्स का है, 55 नंबर का, ये 45 नंबर का है, ठीक है। दो यहाँ पर 55, 55, 55 मार्क्स के हैं, और बाकी यहाँ पे दो पार्ट 45, 45 मार्क्स के हैं, ठीक है। अब यहाँ पे चौथे नंबर पर यहाँ पे देख लें तो यहाँ पर है बच्चों की प्राथमिक देखभाल, ठीक है, मतलब बच्चों की मान लो सी देखभाल करना है तो किस तरीके से करना है, और स्पेशली लेडीज यहाँ पर है, ठीक है, तो उनके लिए बच्चों की देखभाल कैसे करना है ये यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। और उसके बाद फिर यहाँ पे देखें तो उनकी जो प्राथमिक शिक्षा है वो किस लेवल की हो, उनको प्राथमिक शिक्षा किस तरीके से दी जाए, इसकी बारीक बारीक जानकारी आपको पढ़ना है और इस पर बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। आपको क्वेश्चन पेपर भी बताऊंगा, क्वेश्चन पेपर भी हल करवाने वाला हूँ इसी चैनल पर, बस ये है कि आप जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक। अब यहां पर यह भी कितने का है, ये 45 मार्क्स का है। तो प्राथमिक शिक्षा देखभाल ये और प्राथमिक ये देखभाल, ठीक है, यहां पर ये बच्चों के बारे में है, पूरा बारीक बारीक जानकारी है। और टोटल नंबर की हम बात करें तो टोटल यहां पे मार्क्स रहेंगे आपको 200,
ठीक है, 200 नंबर का टोटल पेपर होगा। टाइम कितना रहेगा इस पूरे के लिए, तो यहां पर होगा 3 घंटे का टाइम, ठीक है, 3 घंटे का टाइम रहेगा। अलग अलग पार्ट में आपको इस तरीके से यह दिया जाएगा, क्लियर है। तो इतना यहां पे सिलेबस के बारे में इतना क्लियर हुआ। अब थोड़ा सा हम ये देख लें कि पोषण के अंदर हमें क्या पढ़ना है, ठीक है। बहुत सारों को यह पता होता है पोषण आएगा, लेकिन पोषण के अंदर क्या पढ़ना है, पोषण के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है जिसे हम पढ़ लें, और बाकी जो बेफालतू की चीजें दी हुई है उसको ना पढ़ें, ठीक है। क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये यदि जान लिया तो फिर अपना काम जो होगा वो आसान हो जाएगा, ठीक। चलिए तो इसको सबसे पहले लिख लें, हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें, ठीक है। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे और फिर आपको ये बताऊं कि पोषण में क्या पढ़ना है, ठीक है, और इसमें सामान्य ज्ञान और तर्क क्षमता में क्या पढ़ना है, प्रबंधन में क्या है, ठीक। चले लिख लें इसको, जो हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो हमें ज्यादा मार्क्स दिलाएंगे, ठीक है। तो यहां पर देख लें, पहले नंबर पे पोषण और स्वास्थ्य दिया हुआ है। अब इसमें कौन कौन से पार्ट पढ़ लें, कौन कौन से टॉपिक पढ़ लें, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर ये कुपोषण, कुपोषण के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लें, ठीक। अब उसके बाद में दूसरा है टीकाकरण, टीकाकरण क्या है, टीकाकरण कितने प्रकार का होता है और कब कब कौन सा टीकाकरण किया जाता है, ठीक है। ये यहां पर जानकारी जितनी मैंने बोली है वो सारा सब कुछ आपको कंप्लीट कर लेना है। अब ये कंप्लीट कब करें, कैसे करेंगे आपको बताऊंगा, इसके बारे में भी एक क्लास पूरी कंप्लीट लूंगा मैं, ठीक है, जिसमें पूरा डिटेल में आपको जानकारी मिल जाएगी, ठीक है, बेसिक जानकारी पूरी मिल जाएगी। उसके बाद में फिर यहां पर देखें तो बीमारियां, बीमारियां कौन सी, सामान्य जो बीमारियां हैं, जो अधिकतर बच्चों में होने वाली बीमारियां हैं उसके बारे में आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है, जैसे कि निमोनिया के बारे में पूछ लिया, ठीक है। अब कुपोषण से जुड़ी हुई कौन कौन सी बीमारियां हैं वो देख लें, और बाकी जितने भी प्रकार की बीमारियां होती हैं बच्चों में अधिकतर वो बीमारियां यहाँ पर पढ़ना है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिक बीमारियां यहाँ पर है। अब इसके बाद में पोषण के महत्व, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि पोषण के महत्व, ठीक है, इसको खास करके फोकस करें, क्योंकि यहाँ पर ये जो टॉपिक है ये वाला पार्ट एक, ठीक है, ये बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा है, लेकिन इसको डिटेल में पढ़ लें क्योंकि ये ज़्यादा आपको मार्क्स दिलाने वाला है। एक तो ये यहाँ पर और एक ये पोषण, ठीक है, और दूसरा यहां पर ये बीमारियां, इसको अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लें, ठीक है। और टीकाकरण के प्रकार जरूर पढ़ें, इसके प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, ठीक, कौन सा टीका कब लगाते हैं, ये जानकारी आपको रखना है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन कितने प्रकार के होते हैं, कब कब लगाते हैं, ये जानकारी रखना है, ठीक है। और इसके बाद फिर आगे देखें तो सामान्य ज्ञान एवं तर्क क्षमता, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा और बहुत सरल पार्ट रहेगा, ठीक है। कम मेहनत में आप ज़्यादा नंबर लाओ तो ये टॉपिक को पढ़ लो, ठीक है, इसको आप अच्छे से कंप्लीट कर लो। क्या है कि विभागीय योजनाएं, जो भी योजना निकलती है हर किसी को लगभग जानकारी होती है, ठीक है। अधिकतर जो कम पढ़े लिखे या अनपढ़ भी होगा ना, उसको भी 50% जानकारी होती है कि कोई योजना निकली है। सपोज ले लो लाडली बहना योजना, ठीक है, अब ये योजना है तो इस योजना के बारे में जो पढ़ा लिखा है उसको तो पता है, लेकिन जो अनपढ़ है उसको भी पता है, ठीक है, थोड़ा बहुत तो पता है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे ये योजनाएं जितनी भी है जो आंगनवाड़ी या फिर उनके विभाग से जुड़ी हुई है या महिला बाल विकास से जुड़ी हुई है, उनको यहाँ पर आपको एक एक योजना को पढ़ लेना है, और सारी योजनाएं मैं एक लिस्ट पूरी बना के आपको दूंगा, उसकी डिटेल लिख के भी दूंगा, ठीक है। तो देखें यहाँ पे, और दूसरा नंबर यहाँ पे ये है कंप्यूटर, कंप्यूटर में सिंपल बेसिक, कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ था, ठीक, कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं, आउटपुट यूनिट क्या होती है और इनपुट यूनिट क्या होती है, ठीक है। और बाकी देखें तो इसकी जो भाषाएं होती है ये कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है, बेसिक, कोबोल और फोटोन, ये जो लैंग्वेज है इसके बारे में डिटेल में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो मशीनी भाषा क्या होती है और असेंबली भाषा क्या होती है, बाकी हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, इसके बारे में डिटेल में आप पढ़ेंगे इसी चैनल पर। बस ये चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है, ठीक है, और बाकी आने वाले जितने भी वीडियो है इस पर बेस्ड मिलने वाले हैं पूरे सिलेबस के अनुसार। अब तो कंप्यूटर की बात हुई यहाँ पर, फिर हम बात करें सामान्य गणित की, तो गणित आपको सबसे पहले कंप्लीट करवाऊंगा मैं, क्योंकि बहुत आसान है, आसान भी है और आसानी से आप नंबर ला भी सकते हैं। तो अभी से पढ़ लेंगे तो एक दो बार और प्रैक्टिस कर लेंगे, आपका रिविजन अच्छा हो जाएगा, इसलिए पहले इनको कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो सामान्य गणित है ये केवल 8वीं तक का पूछा है, इसमें सिर्फ 8वीं तक का बेसिक। इसका मतलब ये भी मत समझना है कि 8वीं तक की जो गणित है ये बहुत आसान है, आसान तो है लेकिन हर किसी के लिए नहीं है, ठीक है। उसमें भी आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, सिस्टमेटिक पढ़ना पड़ेगा, तब जाके होगा, ठीक है।
तो इस तरीके से यहाँ पे आपको गणित ये कंप्लीट करना है और इसी पर वीडियो आपको मिल जाएंगे इसी चैनल पर। और उसके बाद सरल तर्क क्षमता, बेसिक बेसिक जो रीजनिंग होती है या बेसिक अपनी सोच होती है उस पर जो प्रश्न बनते हैं वही यहाँ पर इसके अंतर्गत आएंगे। ठीक, यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे ना इसको तो भी आप 50% क्वेश्चन तो आराम से बना ले जाएंगे इसके। ठीक है, लेकिन थोड़ा और पढ़ लेंगे तो 100% पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो पार्ट है दूसरा वाला, ये कम टाइम में आप अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेना है और ये मैं कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, पूरा मैं कंप्लीट करवाऊंगा, कोई टेंशन नहीं है यहाँ पे, कम टाइम में, टाइम भी ज़्यादा नहीं लेंगे। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे दो टॉपिक यहाँ पे मैंने बताए और इन्हीं को खास करके फोकस करना है। बाकी यहाँ पे जो दिया है प्रबंधन और बच्चों की प्राथमिक देखभाल और शिक्षा, ये नॉर्मल आप एक बार किताब से पढ़ लेंगे, नॉर्मल एक बार केवल रीडिंग कर लेंगे तो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इनको आपको कहीं से इधर उधर से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, बस बुक से एक बार पढ़ लें, एक बार पढ़ लें, दो बार पढ़ लें, क्लियर है, समझने की आवश्यकता यहाँ पर है, क्लियर है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर ये जो वीडियो है आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। ठीक है, और आने वाली जो एग्ज़ाम है उसकी तैयारी इस वीडियो के बेस पे यदि आप करेंगे तो सही तरीके से सिस्टमेटिक और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। बाकी बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सिलेबस को ध्यान नहीं रखते हैं, इस टाइप की जो वीडियो होते हैं उनको ध्यान नहीं रखते हैं और अपनी इच्छा अनुसार जो आ गया किताब में आया उसको पढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे आँख बंद करके चलने से कोई मतलब नहीं है, कोई मार्क्स उतने ज़्यादा मिलने वाले नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखें, इसको सिस्टमेटिक देखते जाएँ, जब भी पढ़ें तो पहले इस वीडियो को देख लें या फिर इसको लिख के रख लें कि हमें क्या क्या पढ़ना है और कौन सा नहीं पढ़ना है। ठीक है, कौन सा पढ़ना कौन सा नहीं पढ़ना है क्लियर कर लेना एक बार। ठीक, चलिए, तो मिलेंगे अगले क्लास में, और अगले जो क्लास होगी वो होगी मैथ्स की। ठीक है, देखना बिल्कुल भी ना बोले, और मैथ्स की क्लास एकदम शॉर्टकट में कंप्लीट करवाऊंगा आपको। ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबी छोड़ी नहीं होगी, इसलिए ध्यान रखें, एकदम सटीकता के साथ पढ़ेंगे हम। ठीक, तो चलें, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।